देखिए, हमने कवि देव वाले पार्ट को पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था। आज अपना एक नया पार्ट है, कवि कृपाराम की क्रिया। इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कवि कृपाराम क्रिया जो अपने राजस्थान के, यहाँ के अपने क्षेत्रीय अपने कवि हैं, और इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजस्थानी भाषा का पाठ, आपके पाठ्यक्रम का एकमात्र पाठ जो राजस्थानी भाषा में है। आज कृपाराम की क्रिया के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कवि कृपाराम क्रिया शाखा के चारण थे। कवि कृपाराम जी चारणों में एक शाखा होती क्रिया, उस क्रिया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, वर्तमान पाली जिले में ये खराड़ी गांव, तो इस खराड़ी गांव के निवासी थे। खराड़ी गांव के निवासी जगराम जी के पुत्र थे और क्रिया शाखा के चारण थे। शीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वत्ता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 के आसपास माना जाता है, क्योंकि संवत 1864 के आसपास माना जाता है इनका रचना काल। हालांकि इनके जन्म से संबंधित निश्चित कोई तथ्य नहीं मिलते कि भाई इस समय में जन्म हुआ, लेकिन नजदीक अनुमान के नजदीक रचना काल यह है इनका। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा, जो काव्य के रूप में लिखा हुआ राजियारा सोरठा, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जिसने हासिल की राजियारा सोरठा, चालक नेशी एक नाटक लिखा हुआ है, तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है, लेकिन इनकी जो भी रचनाएं हैं, जो कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इनमें से राजियारा सोरठा ही एक काव्य है उपलब्ध है जो मिलती है। राजियारा सोरठा जो ग्रंथ है, कवि ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित कर लिखा है। कवि का एक सेवक था राजा राम, और उस राजा राम को संबोधित करके लिखा है, इसलिए प्रत्येक सोरठे के अंतिम शब्द के रूप में रहता है राजिया। राजिया शब्द प्रत्येक सोरठे में अंत में आएगा, और यह राजा राम का ही मतलब नाम है, जो प्रेम से राजिया कहते थे उसको। राजियारा सोरठा कवि ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित कर लिखा है। राजा राम या राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम कौन था? कवि का एक विश्वास पात्र सेवक था। राजा राम निसंतान था, और राजा राम के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। और राजा राम बहुत ज्यादा उदास रहता था और कहता था कि मेरे मरने के बाद में, मरणोपरांत, कोई भी मेरा नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, मेरा वंश आगे नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा उदास रहा करता था। हालांकि वह कवि का विश्वास पात्र भी था और सेवाभावी सेवक था। एक बार कवि जब बहुत ज्यादा बीमार हुए, तो उस समय उसने बहुत ज्यादा सेवा शुश्रूषा भी की, उससे भी कवि अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तो कवि ने उसे आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि वे ऐसा कुछ रचकर जाएंगे, उसके नाम से कुछ ऐसी कविता बनाएंगे कि वह अमर हो जाएगा, उसका नाम सारी दुनिया याद रखेगी। चाहे कवि का नाम किसी को याद हो या न हो, लेकिन उसका नाम जरूर याद रखेगी। और वास्तविकता भी यह है कि आज के दौर में देखा जाए तो कृपाराम जी के नाम को बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि राजियारा सोरठा जो जानने वाले हैं, जिनको राजियारा सोरठा भी याद है, वे भी ऐसा नहीं जानते कि ये कृपाराम जी के बनाए हुए हैं। वे भी सोचते हैं कि इसमें भी कोई हो सकता है कवि, राजिया नाम से ये कवि रहा होगा। जबकि इस ग्रंथ की जो विशेषता यह रही है कि राजिया उनका सेवक था, और सेवक को संबोधित करते हुए उसको अमर बनाने के लिए, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसकी उदासी दूर करने के लिए उन्होंने ये रचा था। त्याग भावना देखिए कवि की, कि अपना नाम नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरी सेवा करने वाला यह उदास नहीं होना चाहिए। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। कवि ने लगभग सारे सोरठा शब्द भी लिखे थे। सोरठा एक शब्द होता है हिंदी का, दोहे की तरह, दोहे का थोड़ा सा भी, थोड़ा सा अलग रूप दोहे का ही प्रसिद्ध शब्द होता है सोरठा। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। राजियारा सोरठा
राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य जो शैली है, किसी को संबोधित करते हुए नीति से संबंधित कविताएं रचना, तो उसमें राजस्थान की यह प्रथम रचना मानी जाती है राजा राठौर का। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें जो भाषा है वह है डिंगल भाषा। राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा रही है उसको कहते हैं डिंगल। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है, सोरठा छंद में रचित रचना है तथा बैंड सगाई मुख्य अलंकार है। और राजस्थान में भी विशेष तौर से जो चारण कवियों की विशेषता रही है, जो डिंगल साहित्य की विशेषता रही है, उसमें एक अलंकार है बैंड सगाई। बैंड सगाई अलंकार मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजिया सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन सोरठों की विशेषता सहज है, बिल्कुल स्वाभाविक भाव में लिखे हैं, कोई बनावटी ऐसी कोई कला नहीं है जिसमें कि बिना किसी कल्पना के, बिना यूं ही किसी बात के रस दिया गया हो, केवल लिखा हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सहजता है, सरलता है, सरसता है, आनंद भी आता है तथा प्रसाद गुण युक्तता है। सोचने पर हम मजबूर होते हैं उस बात को और ग्रहण करने पर मजबूर होते हैं। ऐसी एक सीधी बात जिसका सीधा अर्थ हमें समझ में आता है, हम ग्रहण करते हैं। वह सारी जीवन से संबंधित, नीति से संबंधित बातें इन्होंने राजिया सोरठा नामक ग्रंथ में लिखी हैं, जो लोक और समाज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गाय बगाए उदाहरण देने के लिए, बात बात में प्रसंग बताने के लिए राजिया सोरठा बहुत ज्यादा काम में लिए जाते हैं, लोगों को कंठस्थ याद है। पाठ परिचय देखिए। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। जो भी हम इनके दोहे पढ़े, सोरठा पढ़ेंगे, उन सोरठों में जो बातें हम पढ़ेंगे, जो नीति की बातें पढ़ेंगे, उनमें हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व पढ़ेंगे हम। सत्संगति, अच्छी संगति का क्या लाभ होता है, या आपदा से पूर्व प्रबंधन, कोई विपत्ति आने से पहले उससे बचने का उपाय, उसका क्या महत्व है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है और वाणी का महत्व भी बताया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, और कवि का मानना है कि आदर्श समाज वही है जिसमें गुणों की पूजा होती है। इन सोरठों में कवि की विद्वत्ता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। और इन सोरठों को पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि कवि बहुत पहुंचे हुए विद्वान व्यक्ति हैं, बहुज्ञता बहुत कुछ जानने वाले एवं अनुभव की व्यापकता, अनुभव का प्रसार प्रकट, ये सब विशेषताएं उनकी प्रकट होती हैं कि बहुत बड़े अनुभवी कवि थे, बहुत कुछ जानकार थे, हर क्षेत्र में हर चीज के जानकार थे और विद्वान थे। देखिए हम राजा सोरठा के बहुत सारे सोरठे हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं और इनके कुछ अंश हम पढ़ते हैं। 15 सोरठे दिए गए हैं आपके आपके बीच पुस्तक में, तो आज कुछ सोरठों का हम अध्ययन करते हैं। सोरठा एक छंद है जिसकी विशेषता दोहे के लगभग विपरीत सा होता है। दोहे में इधर तेरे मात्राएं पहला जो चरण है जिन्हें विषम चरण कहा जाता है, इनमें तेरे मात्राएं, और जो सम चरण है अगली जो आधे आधी पंक्तियां इनमें 11 चरण होते हैं। जबकि सोरठा दोहे का ठीक विपरीत, इधर वाले चरण उठाकर इधर रख दें दोहे के, तो जैसे सोरठा में इधर तेरे नहीं इधर 11 और इधर तेरे होते हैं, मात्राएं तेरे इधर होती है, 11 इधर होती है, और दोहे में तेरे इधर और 11 इधर होती है। सोरठे में तुकबंदी है बीच में रहती है और दोहे में अंत में रहती है। दोहे के अंत की जो तुकबंदी होती है वही सोरठे में, जैसे गाँव गाँव मिलते जुलते, तो इस तरह की तुकबंदी बीच में अलग विराम से ठीक पहले वाली पंक्तियों में होती है, अंत में तुकबंदी नहीं होती है। अब पढ़ के देखते हैं। इसमें एक हमने बात पढ़ी थी बैंड सगाई अलंकार, जिसकी विशेषता क्या है, कैसे पहचाना जाता है वह भी। जैसे यह एक चरण है और इस चरण में देखिएगा, पहला जो शब्द है उसका पहला अक्षर ग, ग से शुरू हो रहा है गुण ग, और इसी चरण का जो अंतिम शब्द है गमो, यह भी किससे शुरू हो रहा है ग से, मतलब पहला और अंतिम एक अक्षर से शुरू हो रहा है। इसी तरह से सुमेह से शुरू हो रहा है और सामने अंतिम, पहला और अंतिम इस चरण का से शुरू हो रहा है। तो इस तरह की जैसे रोही रह से शुरू हो रहा है, तो आपका अंतिम शब्द भी रह से शुरू हो रहा है। कारज को कैसे शुरू हो रहा है, बल बिना वैसे शुरू हो रहा है, हल्का या हो ऐसे
रंगा राजिया, मतलब पहला ये जो चार चरण है, 1 2 3 4, इन चारों चरणों में देख लीजिए लगभग आपने सब में यही मिलेगा कि पहला शब्द और अंतिम शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं और इसको वो कहते हैं हम वर्णसगाई अलंकार। कौन सा अलंकार? वर्णसगाई अलंकार, जो हमने पढ़ा था इसमें कि उनके काव्य में वर्णसगाई अलंकार की प्रमुखता है ना, मुख्य अलंकार है वर्णसगाई। गुण अवगुण जिन गांव सुने ने कोई सांभले, उन नगरी विच नाम रोहिया छी राजिया। कवि कहते हैं कि गुण अवगुण जिन गांव, गुण अच्छे गुण और अवगुण इसका ठीक विपरीत शब्द होता है अवगुण, जिन गांव जिस गांव में, इसमें भी कोई कृति शब्द आदमी सुने ने कोई सांभले, ना कोई सुनता हो, और सांभले का मतलब समझना, न सांभले न समझता हो, ऐसा गांव जिसमें गुण और अवगुण के बीच में कोई फर्क नहीं किया जाता, गुण अवगुण का अंतर नहीं जानते, उन नगरी विच नाम, उन नगरी उस नगर या नगरी विच नाम, उन नगरी विच नाम के को छोड़कर के अलावा की बजाय रोही आची राजिया, रोही रोही का मतलब होता है निर्जन वन, निर्जन स्थान, आची अच्छी बलि। क्या कहना चाह रहा है कवि कि गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाम रोही आची राजिया। कवि कहता है कि जिस गांव में गुण और अवगुण के बीच में कोई भेद नहीं करना जानते हो, या गुण और अवगुण तो समान भाव से देखा जाता हो, गुण अवगुण से कोई लेना देना नहीं हो, जहाँ कोई न तो गुणों को समझे न कोई सुने, ऐसी स्थिति में उस नगर की बजाय तो अगर हम निर्जन स्थान में रहें तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस नगर में, उस गांव में जहाँ गुण और अवगुण के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता हो, वहाँ पर आपका कभी भी अपमान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर गुणी व्यक्ति की कभी भी कद्र नहीं की जाती। इस वजह से ऐसे गांव की बजाय तो आपको निर्जन स्थान में रह लेना चाहिए, वहाँ रहने लग जाना चाहिए, ऐसे गाँव में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए जहाँ पर गुणों की कद्र नहीं हो। तो एक नीति की बात करिए कि जहाँ पर जिस गांव में गुणों की कद्र नहीं होती, उस गांव को छोड़कर आपको कहीं, चाहे निर्जन स्थान जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, ऐसे जगह पर भी रहना स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुण अवगुण के बीच में कोई फर्क नहीं समझा जाता हो, गुणी की कद्र नहीं की जाती हो। दूसरा देखिए, कारज सरे ने कोई बल प्राकम हिम्मत बिना, हलकाया की हो रंगा शाणा राजिया। कारज सरे ने कोई, कारज कार्य, सरे ने कोई, सरे सफल हो, और न कोई नहीं, कोई सफल नहीं होता है ऐसा कार्य। बल प्राकम हिम्मत बिना, बल शक्ति, पराक्रम, प्राकम दिया पराक्रम, हिम्मत साहस, हलकारियां की हो, हलकारियां ललकारने पर या ललकारने से, की हो क्या होगा, की हो क्या होगा, रंगा श्याणा राजिया, रंगे सियार होना, रंगा सियार, श्याणा मतलब सियार गीदड़, जिसका दूसरा अर्थ लेंगे हम ढोंगी, दिखावा करने वाले, सिर्फ डींगे हाँकने वाले। रंगा श्याणा राजिया, राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह राजिया इस संसार में कोई भी कार्य बिना शक्ति के, बिना पराक्रम के और बिना हिम्मत के सफल नहीं होता। शक्ति पराक्रम और हिम्मत के बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हे राजिया, जो केवल पराक्रम की डींगे हाँकने वाले होते हैं, जो केवल यही ढोंग रचे में रहते हैं कि हाँ हम पराक्रमी हैं, तो उनको ललकारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ललकारने पर वे कभी भी आगे नहीं आ पाएंगे, कोई भी कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो रंगेश यार होते हैं, वह कभी भी
अच्छी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी उनका कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि उनमें बल, पराक्रम और साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। अगर उन्हें कोई ललकारे तो ललकारने पर वे पीठ दिखाकर भागेंगे ही, कभी भी वो अपना कार्य सफल नहीं कर पाएंगे। इसलिए रंगेश यार कभी भी कोई कार्य सफल नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य सफल करने के लिए बल, पराक्रम और हिम्मत की जरूरत होती है, जो कि रंगेश यारों में नहीं होती। अगला देखिए, मिले सिंह वनमा किन मिर गांवरी के पुत्र की हो, जोरावर अति जहां रहे उद्गत राजिया। मिले अपने हिंदी शब्द मिले, ले की जगह राजस्थानी में रह काम में लिया जाता है। यह जो वर्ण है ना, इसको हम बोलते हैं रह, जैसे हिंदी शब्द जल हम बोलेंगे, राजस्थानी में अगर इसको बोलते हैं जड़, काल राजस्थानी बोलेंगे काल, तो इसी तरह से इसका ले की जगह उच्चारण होता है राजस्थानी में रह, अलग से एक वर्ण है। मिले सिंह वनमा, सिंह का मतलब शेर, वनमा वन में जंगल में, यहाँ कोई कठिन शब्द शब्द आप नहीं, माँ का अंतर अर्थ है मैं। किन मिर्गा मृग पथ की हो, किन किन का रूप है किन, या न की जगह भी राजस्थानी में नए ज्यादा काम किया जाता है, नए ले की जगह रह, न की जगह रण। किन मिर्गा, किन का मतलब किन, या मिर्गा शब्द है जो मृग से बना हुआ, मृग मृग का मतलब होता है हरिण, लेकिन यहाँ मिर्गा कहने का मतलब है सारे पशुओं की बात है, सारे जानवरों की बात है, पशुओं ने जानवरों ने। किन मृगा मृगपथ की हो, मृगपथ मृगपथ वैसे शेर को ही कहा जाता है, शेर का क्रियावाची शब्द है, जंगल का राजा है, विशेष तौर से हरे नाम के एक जीव पर तो उसका एक आधिपत्य, उसका मांस से विशेष प्रिय होता है मांस। तो किन मृगा मृगपथ की हो राजा बनाया, जोरावर अतिजान, जोरावर शक्तिशाली। जोरावर अति अत्यधिक, जहां 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 अत्यधिक शक्तिशाली लोग रहते हैं। रहे उर्द्गत राजिया, उर्द उर्द का हिंदी शब्द है ऊर्ध्व, ऊपर की ओर उठा हुआ। गत का मतलब यहां गति, राजिया को संबोधित करते हुए कभी कह रहे हैं कि है राजिया। एक नीति की बात बताते हैं कि जैसे जंगल में शेर होता है, मिले सिंह वनमा, जैसे जंगल में शेर को ही देख लो, उसे किसी, वहां कोई चुनाव नहीं हुआ है, वहां कोई वोट नहीं पड़ते हैं, वहां के जो जंगल के जो जानवर हैं, उन पशुओं ने, उन जानवरों ने उसको कहीं चुनाव करके राजा घोषित नहीं किया है, राजा नहीं बनाया उसको। किन मृगा मृगपथ की हो, प्रश्न था कि किन पशुओं ने उसको राजा बनाया है, उसको किसी जानवरों ने, पशुओं ने राजा बना, राजा नहीं बनाया है। शेर में जंगल, शेर है, जंगल में रहता है, जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन वास्तव में उसको राजा किसी ने बनाया नहीं है। जबकि होता क्या है, कैसे राजा बनते हैं, जोरावर अति जहां रहे उर्द्गत राजिया, है राजिया जहां पर अत्यधिक शक्तिशाली लोग रहते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होता है वह हमेशा उर्द्गति पाता है, मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, सबसे ऊपर रहता है, वही राजा बनकर रहता है। जो शक्तिशाली हो, मतलब जिसमें शक्ति हो, वह अपने आप अपना स्थान बना लेता है, अपना उच्च स्थान प्राप्त करता है। जिस प्रकार से जंगल में शेर, जिसको कोई राजा नहीं बनाता, लेकिन सभी जीवों पर उसकी एक अलग धाक होती है, वह राजा की तरह वहां पर रहता है। किसके बल पर रहता है, शक्ति के बल पर रहता है, वह जोरावर है, वह शक्तिशाली है, इस वजह से सारे जो जानवर है वह खौफ खाते हैं उससे, और इसी वजह से उसका उच्च स्थान रहता है जंगल में। उसी तरह से अगर शक्तिशाली व्यक्ति कहीं भी रहता है, किसी भी क्षेत्र में रहता है, तो वह वहां पर अपना एक अलग मुकाम हासिल करता है, एक अलग स्थान, उच्च स्थान प्राप्त करता है। फिर अगला दुआ देखिए कि अच्छा अणपार धार खगा सनमुख धसे भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। कि अच्छा अणपार, युद्ध का मतलब है यहाँ युद्ध, युद्ध अणपार अनेकों, अच्छा अच्छे, युद्ध करने में अच्छे, युद्ध करना अच्छा है, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। धार खगा सम्मुख धसे, धार खगा, खग का मतलब है खड़, खड़ का मतलब होता है तलवार, तलवार की धार,
दार अगाम सम्मुख दसे, सम्मुख सम्मुख शब्द से बना हुआ है, सम्मुख सामना सामने, दसे सामना करे, भोगे हुए भरता रसा जी के नर राजिया, भोगे भोग करता है, कोई बरतार, कोई का मतलब है होकर या बनकर, बरतार बरतार का मतलब होता है स्वामी राजा मालिक। रसा जिके नर राजिया, रसा रसा का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय शब्द होता है रसा। रसा जिके नर राजिया, जो नर जिके नर, इसमें कोई कृत्रिम शब्द नहीं है, तो राजा को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि है राजा जो व्यक्ति युद्ध करने में अच्छा हो, युद्ध करना अच्छी बात है, हालांकि वे मानते हैं युद्ध करना अच्छी बात है, जो युद्ध करने में अच्छा हो, जिसने अनेकों युद्ध किए हों, युद्ध करना गौरव की बात है। धार खगा सम्मुख दसे, और जो व्यक्ति तलवार की धार का सामना करने की शक्ति रखता हो, जो तलवार की धार का सामना करता हो, जो सामना करने की शक्ति रखता हो, जो अपने शरीर पर घाव झेलने की शक्ति रखता हो, भोगे हुए भरतार रसा जी के नरराजिया, वही व्यक्ति इस पृथ्वी का मालिक बनता है, इस पृथ्वी पर राजा बनता है और शासन करता है, वही इस धरती के सुखों का भोग करता है। रसा जी के नरराजिया वही इस धरती के ऊपर भरतार बनकर रहता है, उसका स्वामी बनकर रहता है, उसके सुखों का भोग करता है। क्यों, कौन करता है, जिसमें तलवार का सामना करने की शक्ति हो, जो तलवार के सामने टिकता है, संघर्ष करता है, जूझता है, जो युद्ध करता है, वही व्यक्ति इस धरती का शासक बन सकता है, वही व्यक्ति इस धरती का राजा बन सकता है, उसे ही धरती का राजा बनने का श्रेय जाता है। इसलिए वह कहता है शक्ति का प्राक्रम, शक्ति इसकी विशेषता, इसका महत्व बताया कि जिसमें शक्ति होती है और जिसमें साहस होता है, जो तलवार की धार का भी सामना करना जानता है या कर सकता है, वही युद्ध करने वाला व्यक्ति, वही योद्धा इस धरती का राजा बनता है। हालांकि बहुत सारे तो शॉर्ट हैं, 15 शॉर्ट दिए हैं इसके, लेकिन आज के लिए बस ये 4 तो शॉर्ट हैं पढ़े हमने। आगे देखो, इसके मैंने कुछ कठिन शब्दार्थ भी बताए थे आपको, जैसे ये इसके कठिन शब्दार्थ, एक शॉर्ट आगे इधर भी, उनको भी ध्यान से देखना है। इसके अलावा राजिया का मूल नाम क्या था आप जानते हैं, राजा राम, दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला ये आया हुआ, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, इस तीसरे प्रश्न को करना है। बस आज के लिए ये एक प्रश्न है और बाकी शब्दार्थ हैं, आज के लिए बस इतना ही, और अंत में आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।